एवरीवन, वेलकम टू आरपीएससी स्टडी हब। आरएस मींस क्वेश्चन आंसर की सीरीज में आज हम बात करेंगे सीरीज 27 के बारे में। सीरीज 26 तक हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज। आज की सीरीज के प्रश्न होंगे पेपर 2 में, जो साइंस एंड साइंस टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है उसके अंदर से, जिसमें हम 50 शब्द और 15 से 20 शब्दों के प्रश्न के बारे में उनके आंसर के साथ डिस्कस करेंगे। साइंस से रिलेटेड प्रश्न है। टॉपिक जो पहला प्रश्न है उसके बारे में बात करें तो पहला प्रश्न जो है वो टॉपिक है कोशिका। कोशिका नाम से टॉपिक है, मेंस के सिलेबस में वहीं से लिया गया है। यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दो प्रकार की कोशिकाएं होती है, उसमें से क्वेश्चन है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की विशेषताएं लिखिए। ये 15 शब्दों में या 50 शब्दों में दोनों में पूछा जा सकता है, यानी 2 नंबर में या 5 नंबर दोनों में। इसके अलावा यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका के बीच अंतर भी पूछा जा सकता है 50 शब्दों के अंदर। 100 वर्ड्स में बनने की संभावना कम है। ओके, तो प्रश्न का उत्तर जानते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की विशेषताएँ क्या है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में स्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है, इसमें केंद्रक नहीं होता। स्पष्ट केंद्रक नहीं होता तो ध्यान रखना कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता। केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका अनुपस्थित होते हैं। इसके अलावा केंद्रक झिल्ली भी नहीं होती और केंद्रिका भी नहीं होती। केंद्रक भी नहीं होता, केंद्रक झिल्ली भी नहीं होती और केंद्रिका भी नहीं होती। इसमें पाए जाने वाले गुणसूत्र जो आनुवांशिक पदार्थ द्वारा निर्मित होते हैं, वे कोशिका द्रव्य की विशेष क्षेत्र अर्थात न्यूक्लियोटाइड में मौजूद रहते हैं। अब हम बात करें कि इसमें पाए जाने वाले गुणसूत्र क्या होते हैं, या फिर जो आनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं वो कोशिका द्रव के एक विशेष प्रकार के जो न्यूक्लियोइड्स होते हैं उसमें विद्यमान होते हैं, तथा ये कोशिका द्रव में बिखरे हुए होते हैं। कोशिका द्रव्य के अंदर ही क्या होता है, विशेष प्रकार का न्यूक्लियोइड्स होते हैं उसके अंदर मौजूद होते हैं, जिसमें अर्थात कोशिका द्रव्य जो होता है उसके अंदर ये बिखरे हुए होते हैं। कोशिका द्रव्य में झिल्लीयुक्त कोशिकांग, झिल्लीयुक्त कोशिकांग के क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, गोल्जिकाए, लाइसोसोम अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, कोशिका द्रव्य में झिल्लीयुक्त कोशिकांग होते हैं, जैसे कौन कौन से झिल्लीयुक्त कोशिकांग कौन कौन से होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, गोल्जिकाए, लाइसोसोम, और ये क्या होते हैं, इसमें नहीं पाए जाते। माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता, हरित लवक भी नहीं होता, गोल्जिकाए भी नहीं होता, लाइसोसोम भी नहीं होता, इन सभी को झिल्लीयुक्त कोशिकांग बोला जाता है। परंतु 70S प्रकार के राइबोसोम इसमें पाए जाते हैं, 70S प्रकार के, जबकि उसमें 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, इसमें 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। इनमें DNA प्रोटीन के साथ जुड़ा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, DNA जो होता है वो प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ नहीं होता है, और हिस्टीन या हिस्टोन प्रोटीन का पूर्णतः अभाव होता है। इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता, जबकि DNA प्रोटीन जो है, DNA जो होता है वो प्रोटीन के साथ जुड़ा नहीं होता, और हिस्टोन प्रोटीन तो होता ही नहीं है। इनमें गुणसूत्रों की संख्या केवल एक ही होती है। गुणसूत्र कितने होते हैं, एक। इस प्रकार की कोशिकाएं जीवाणु तथा नील हरित शैवाल में पाई जाती है। ये किस में पाया जाता है, बैक्टीरिया जो होते हैं जीवाणु और नील हरित शैवाल, इनमें प्रोकैरियोटिक टाइप की कोशिकाएं जो है वो पाई जाती हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। इस तरह से आप लिख सकते हैं। आप इन सबको बुलेट पॉइंट्स में 1, 2, 3 लगाकर, स्टार लगाकर, एरो बनाकर कैसे भी आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कोशिका झिल्ली के 2 कार्य लिखे। जो कोशिका झिल्ली होती है उसके 2 कार्य लिखिए। ये 15 शब्दों में पूछेंगे 2 कार्य, तो आप 15 शब्द तो 15 से 20 शब्द कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि 15 शब्द का मतलब 15 शब्द नहीं है, 15 से आप 20 शब्द भी लिख सकते हैं, 22 भी कर सकते हैं, लेकिन जो पूछा गया है वही। अब कोशिका झिल्ली के 2 कार्य पूछ रहा है, लिख रहे हैं आप किसी और के 2 कार्य, माइटोकॉन्ड्रिया के 2 कार्य लिख रहे हैं या गोल्जिकाए के लिख रहे हैं, ऐसा नहीं। कोशिका झिल्ली के 2 कार्य पूछ रहा है, तो 2 कार्य जो पॉइंट है उससे हटके मत जाइए, तब तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। अगर पॉइंट से हटके आपने आंसर बड़ा किया, जबरदस्ती का कुछ ना कुछ आप लिखे जा रहे हैं, तो मार्क्स ऑब्वियसली बातें कटेंगे ही। तो 15 से 20 शब्द आप कर सकते हैं। कोशिका झिल्ली के 2 कार्य क्या हैं वो देख लेते हैं। कोशिका झिल्ली द्वारा कोशिका को निश्चित आकृति, आकार और सुरक्षा प्रदान की जाती है। कोशिका झिल्ली एक अर्थ पारगम्य झिल्ली होती है, अतः इसका मुख्य कार्य कोशिका और उसके भार्य के माध्यम के बीच आणविक गतिविधि को नियंत्रित करना है। क्या है कोशिका झिल्ली का कार्य? कोशिका झिल्ली का महत्वपूर्ण कार्य कि एक अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है, अतः इसके मुख्य कार्य क्या होते हैं, कोशिका और उसके बाहर के माध्यम के बीच आणविक गतिविधि को नियंत्रित करता है। कि कौन सा जो आणविक गतिविधि, कोई भी पदार्थ इसके अंदर आ सकता है, जा सकता है, इसका कंट्रोल कोशिका झिल्ली ही करती है। साथ में कोशिका को एक निश्चित आकृति, आकार और सुरक्षा भी प्रदान करती है कोशिका झिल्ली। इस तरह से 2 कार्य इसके हो गए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का महत्वपूर्ण कोशिकांग है ये, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा।
50 शब्द, 50 शब्दों में, 20 शब्दों में किस तरह से पूछा जा सकता है ये। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, एक अत्यंत महत्वपूर्ण कोशिकांग होता है। यह कै गणिका का या सूत्र या शलाका की तरह होते हैं, यह तो कै गणिका की तरह, सूत्र की तरह या शलाका की तरह होते हैं, तथा सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक में नहीं बल्कि यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। हमने लास्ट में देखा ही था कि प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते, जबकि यूकेरियोटिक में कोशिकांग में जो है माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया एक दोहरी झिल्ली से परिबद्ध कोशिकांग होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से बने हुए होते हैं, दोहरी झिल्ली चारों तरफ से परिबद्ध होती है। माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या होता है, श्वसन क्रिया को संपादित करना। इसमें विभिन्न प्रकार के श्वसन एंजाइम भी पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के विखंडन से ऊर्जा मुक्त होती है, जो एटीपी के रूप में, ठीक है, एडिनोसिन थाई फॉस्फेट के रूप में संचित रहती है। यही कारण है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का शक्तिगृह भी बोला जाता है। यही प्रश्न बनता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिगृह क्यों कहा जाता है, 15 वर्ड्स में या फिर 50 वर्ड्स में पूछा जा सकता है। तो क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन का के विखंडन से ऊर्जा मुक्त होती है, और ये ऊर्जा जो मुक्त होती है वो एटीपी के रूप में संचित हो जाती है, जिससे क्या होता है एक ऊर्जा का संग्रहण जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में बना रहता है, इसीलिए इसे पावर हाउस भी बोला जाता है। तो 50 वर्ड्स में आप इस तरह से इस आंसर को लिख सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मैं थोड़ा भूल रही हूँ, हरित लवक, ठीक है। हरित लवक 15 वर्ड्स या 50 वर्ड्स में बन सकता है। यह पर्ण हरित की उपस्थिति के कारण हरे रंग का होता है। हरित लवक में क्या पाया जाता है, पर्ण हरित पाया जाता है, जिसकी उपस्थिति के कारण इसका रंग कैसा होता है, हरे रंग। यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के केंद्र है, इसीलिए केवल प्रकाश संश्लेषण पादक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। पर्ण हरित क्या होता है, इनमें उपस्थित होता है, जिसे क्या होता है, इनका रंग हरा होता है, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के क्या होते हैं, ये केंद्र होते हैं, इसीलिए प्रकाश संश्लेषण पादप कोशिकाओं में भी हरित लवक पाए जाते हैं। हरित लवक में पर्ण हरित के अतिरिक्त कैरोटीन एवं जेंटोफिल नामक सहायक पर्ण भी पाए जाते हैं। इसे कोशिका का रसोई घर भी कहते हैं। कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं, हरित लवक। क्यों, क्योंकि हरित लवक में पर्ण हरित के अतिरिक्त कैरोटीन और जेंटोफिल नामक सहायक पर्ण भी पाए जाते हैं, इसीलिए इसे कोशिका का रसोई घर कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करें गोल्डी लॉक्स पेटी, गोल्डी लॉक्स जोन, ये क्या है गोल्डी लॉक्स जोन, ये भी 15 to 20 वर्ड्स यानी 2 नंबर में पूछा जा सकता है। पृथ्वी पर जीवन सूर्य से एक निश्चित दूरी तथा आदर्श सूर्य ताप एवं जल द्रव्य अवस्था में होने के कारण संभव हो पाया है। पृथ्वी पर जीवन क्या है, सूर्य से एक निश्चित दूरी है हमारी, सूर्य का कुछ तापमान है जो काफ़ी डिग्री सेल्सियस है, आदर्श सूर्य ताप भी है, जल भी है, द्रव्य अवस्था में हो, जल क्या है, बर्फ में नहीं होकर द्रव्य अवस्था में है, इसी कारण संभव हो पाया है कि हम पृथ्वी पर निवास कर रहे हैं। इस प्रकार की अवस्था को क्या बोलते हैं, हम गोल्डी लॉक्स पेटी अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा लाइसोसोम, 15 शब्दों में लाइसोसोम। लाइसोसोम जंतु कोशिका में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में पाए जाते हैं लाइसोसोम। इनका निर्माण गोल्जिकाएं में होता है तथा यह अंतः कोशिकाओं पाचन के मुख्य स्थान होते हैं। जो अंतः कोशिकीय पाचन तंत्र होता है उसके प्रमुख स्थान पर गोल्जिकाएं पाई जाती हैं। इनका निर्माण गोल्जिकाओं में होता है। कभी कभी लाइसोसोम अपने ही कोशिका का पाचन कर लेता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, आत्मघाती या आत्महत्या की थैली भी, या पाचन थैली भी कहा जाता है। आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की पाचन थैली भी इसको कहा जाता है। क्यों, क्योंकि क्या होता है, जंतु कोशिकाओं में ये प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जिससे गोल्जिका इसका निर्माण होता है। और ये क्या करते हैं, कभी कभी लाइसोसोम अपने ही कोशिकाओं का पाचन जो है वो शुरू कर देता है, शुरू करके कोशिकाएं नष्ट हो जाती है, तो इससे क्या होता है, ये आत्मघाती थैली या आत्महत्या की पाचन थैली भी इसको बोला जाता है। ये 20 वर्ड्स 2 नंबर में पूछा जा सकता है। तो आई होप आज के प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय। और वीडियो अच्छे लगे हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर।